बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं आई हुई हूँ सिस्टर के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग भी करनी है हमने और विंडो शॉपिंग भी करनी है, दोनों काम साथ साथ होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे है भाई की शादी और हम कर रहे हैं शॉपिंग। बेसिकली शॉपिंग तो हमने पहले ही कर ली, मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले हमारी काफ़ी हद तक शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब सोचा कि चलो जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे वो मैं साथ साथ शूट करती जाऊँगी और अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
विंडो शॉपिंग के बाद हम लोग आ चुके हैं फास्ट फूड वाली एक शॉप पे। मैंने कहा कि दही भल्ले खाने हैं, सिस्टर कहते कि नहीं दही भल्ले नहीं खाने, कुछ और खाते हैं। लेकिन मेरी जिद थी कि दही भल्ले ही खाने हैं। पता नहीं अब आप लोग इसे दही भल्ले कहते हैं कि दही बड़े कहते हैं, मैं तो इसे दही भल्ले कहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही। और दही भल्लों के साथ है ये आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। साथ में है कोक। मैं यहाँ दही भल्लों को खाती हूँ, उसके बाद आपसे करती हूँ बात। कपड़ों के की हमने विंडो शॉपिंग और उसके बाद खाए दही भल्ले। ऑलमोस्ट 2 घंटे हम लोग बाज़ार में विंडो शॉपिंग करके अब हम आ गए हैं घर। मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया है एक किचन टॉवल, काफ़ी कलर में पड़ा था लेकिन मुझे पिंक कलर में ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने पिंक कलर में किचन टॉवल ले लिया। इसके बाद ये है मेरी फेवरेट चीज़ नेल पेंट। नेल पेंट का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, नेल पेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने लिया है पिंक शाइनिंग में, 557 नंबर है इसका। स्वीट फेस वालों का है ये नेल पेंट। इसके बाद जी ये है यहाँ पिंक कलर, ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट किया, इस कलर ने भी अच्छा लगा। मैं मेडोरा की नेल पेंट ज़्यादा तर बेसिकली यूज़ करती हूँ क्योंकि मेडोरा कंपनी कह लें ब्रांड कह लें बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये है रेड कलर, ये भी मेरा फेवरेट कलर है नेल पेंट में। नेल पेंट की मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेल पेंट कलेक्शन। बेसिकली तो मैं मेडोरा के नेल पेंट्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट भी करते हैं, उनके कलर भी काफ़ी अच्छे और यूनिक होते हैं। इसके बाद जी ये एक लिया है मैंने शामी बनाने वाला शेपर, आलू की शामी बना ले, चिकन की शामी बना ले, कोई भी शामी घर पे बनाए। हाँ वैसे हाथों से तो बन जाती हैं लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि चोचले नहीं मुकदे। मैंने कहा चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद जी अब बारी आई है स्पाइसेस रैक की। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रैक, ऑलरेडी थे घर में स्पाइसेस रैक भी लेकिन ये मुझे कलरफुल काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसे भी लेकर ट्राई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल सा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि लेना है तो बस लेना ही है। एक्चुअली जो घर में पड़े थे ना वो सेपरेट सेपरेट थे लेकिन ये मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा इसमें सारे स्पाइसेस डाल के, तो जब कुकिंग करनी हो तो एक दफ़ा उठाया सारे स्पाइसेस को यूज़ किया और साथ में इसे रख दिया। इसके बाद ये देखिए जी ये है स्मॉल कैंडल्स, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी बर्थडे सेलिब्रेशन में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी परचेज़ किया जाए। ये भी काफ़ी कलरफुल थी स्मॉल सी कैंडल्स, ये देखें रेड कलर में माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। मैंने सोचा क्यों ना इसे भी परचेज़ किया जाए। ये 12 कैंडल्स का पैक है, ये मुझे आई थिंक 300 समथिंग में मिला है। आज का व्लॉग यहीं तक का था, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।